आऊंगा एक बार, ये बहुत प्यारी गुड़िया है हमारी, इसको भी मैं शुभाशीष देता हूँ। अरुण जी को बहुत बधाई देता हूँ, शालिनी जी और ख्याति बिटिया भी अभी बैठी थी आपके पास, मैंने वो लेख पढ़ा कि पापा कुछ काम करना पड़ेगा, तो मैं भी कुछ भावुक हुआ उसे पढ़ते समय। निश्चित रूप से पिंकिश ने एक बड़ा काम किया है, और मेरी, मैं 30 साल से कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ, नारी शक्ति को लेकर इतना बड़ा आयोजन, इस तरह का आयोजन NCR में मैंने पहली बार देखा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार पिंकिश के लिए, पूरी आयोजन समिति के लिए, इस तरह का ये बड़ी बात है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप अभी जाकर देखिएगा, फेसबुक पर देखिएगा, दूसरे मीडिया माध्यमों में, इस देश के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब भी यदि किसी संस्था को अपनी शुभकामनाएं दे दें, भेज दें, तो मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए गौरव की बात है, बड़ी अनुभूति की बात है। मैं निश्चित रूप से परिवार को बधाई देता हूं। विनीत भाई ने बहुत अच्छा सुनाया आपको, हमेशा अच्छा सुनाते हैं, बहुत सारी पंक्तियां सुना दी, बहुत सारी छोड़ दी जी। इनकी चार बड़ी ख्याति प्राप्त पंक्तियां हैं कि लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को जी। आपने जैसे तालियां बजा दी, ऐसे हर जगह ताली बजती, पर मैंने अभी देखा वो दिल्ली में ये पढ़ रहे थे परेड ग्राउंड में इन कविताओं को, तो वो एक मंत्री जी आ गए इनके पास कवि सम्मेलन के बाद में, और उनकी सच्ची घटना है जी। बोले विनीत भाई मैं समझ गया, मंत्री हो तो अपने बेटों को लड़ने भेजें, और मैं मंत्री हूं और मैं बेटे को भेजना चाहता हूं जी। तो इन्होंने कहा कि अच्छी बात है भेज दो, बोले बस दिक्कत यह है मेरा कोई बेटा नहीं है। तो इन्होंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो मंत्री जी बोले मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। तो ऐसे लोग हैं जो विनीत चौहान को गोद लेकर ही नहीं लड़ने के लिए भेज सकते। इस देश के राजनेताओं के बारे में ज्यादा बात मत करो, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों झारखंड में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 4 यात्री सवार थे, एक नेताजी, एक प्रोफेसर साहब, एक हेलीकॉप्टर का पायलट, एक छोटा बच्चा। भैया मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो मेरा ही खींचिए, कैमरा इतना बड़ा ले रहा, फोटो उधर खींच रहा, इसे पता है कि पेमेंट करने वाले उधर बैठे हैं। हिंदुस्तान का आदमी सारे काम टेक्निकल तरीके से निपटा था। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपको, आदमी कितना ही अरबपति हो जाए अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहता है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। अब अरुण जी ने पूजा को काम पे लगाया, ये इतने बड़े बड़े आते नहीं है हाथ काम आसानी से, और उसने कहा तो बहन लगती है हमारी छोटी, सारे आ गए बंदे, इसे कहते हैं कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए। अच्छा, फोटोग्राफर नोएडा का रहने वाला था, उसने एक लाइन में निपटाया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले दोनों एक साथ। बता दीजिए तालियां, इस पर GST भी लगाया मोदी जी ने। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अलग अलग तरह के मामले हैं, उन सब मामलों से अभी विनीत भाई का मैंने बताया, कई बार तोड़ दो, मोड़ दो, फोड़ दो, इसको लाल किले पर लटका दो, इसे फांसी पर लटका दो, कई निपटा दिया भी इन्होंने, एक को लाल चौक पर लटकाया, एक को इंडिया गेट पर लटकाया, एक को, अरे भाई मैं कहता हूँ बाकी सब ठीक है, लेकिन हम अलग ढंग से भी काम कर सकते हैं, और हिंदुस्तान का असली आदमी वो है, वो सब लग रहे हैं कोशिश में कि पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी निपटाया जा सकता है, उसकी भी कोशिश जारी। वो कोशिश क्या, यही आपको बता रहा हूँ। अभी वो पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोले इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर दिखाए, मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी, अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देख कर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो अग्रवाल साहब है, गुप्ता जी, अरुण जी सुन लेना ध्यान से बात, बोले वो जो गुप्ता जी उनसे इलाज पूछ कर आओ, लाला जी आए, बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद इलाज करूंगा। लड़कों ने माथा पकड़ दिया, चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5'2" का। सेठ जी बोलो चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। ये भरपूर ताली वाली बात थी, आपने कम तालियां बजाई है इसको। देखो लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गोली नहीं, बारूद नहीं, काम वही हो रहा जो होना चाहिए।
बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी तो एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता। समझाने वाला चाहिए भाई ने इशारे में बात समझा दी, अगले की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसा गिरा खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार। बहुत अच्छे, वाह दाव है भैया जिसका जैसे लग जाए जी। लेकिन ये बात सच है कि हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको जवाब की भी जरूरत है, वो जवाब दिया भी जाएगा। और मैं ये भी कहता हूँ ये भाई थोड़ी बात ना करो इधर, आप सब सर्वाधिक नजदीक हो दोस्त, कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई है नहीं दूसरा दुनिया में, और इसका प्रमाण वक्त आने पर हमने दिया है, हर एक बार दिया है, अब भी फिर हम जवाब देने की भूमिका में है। जब करगिल का युद्ध हुआ था मुझे उस समय की घटना याद है, मेरे बड़े भाई आदरणीय आनंद जी बैठे हैं, शाहदरा में बड़ा प्रोग्राम उस समय हुआ और हमारे हनीफुद्दीन एक सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी शहादत को हमने सबने प्रणाम किया। मैं 3 छंद सैनिकों के नाम पढ़ता हूँ फिर एक छोटी कविता सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करूंगा। हिंदुस्तान क्या है, इसकी तासीर क्या है, एक छंद सुनिएगा, आप सबके नाम करता हूँ, अच्छा लगे तो विनीत भाई तक मेरी तालियां गूंज आपकी पहुंचे, क्योंकि वो जिस रस के कवि हैं उस रस में मैं 3 छंद उन सैनिकों की शहादत को जिन्होंने भी शहादत दी जम्मू में मैं प्रणाम करता हूँ। देखना पूजा किस ढंग से बात है। स्वागत भैया। कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान। क्या है हिंदुस्तान ये आपको एहसास हो जाएगा। हमारे यहाँ अरुण भैया ऐसे ऐसे प्रदेश हैं झुंझुनू शिखर, जहाँ कहा जाता या तो जन्नी पूज जन कह दाता के नूर, वरना जन्नी बांझ रहे व्यर्थ गवा मत नूर। कि हे माँ या तो ऐसा बेटा जन जो सीमा पर जाकर अपने प्राण देश के लिए नौछावर कर दे, वरना तो बांझ रह जाना ही बेहतर है। जहाँ देश में नारी ये सोचती हो वहाँ नारी के सम्मान में मैं छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है, 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में। जब सारे मिलकर तालियां बजा सकते हैं शहीदों के सम्मान में, जब मैं पंक्ति को दोहराऊं एक साथ, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। अगले तर्क पर सहमत हो जाएं तो पूरा सदन हाथ उठाकर समर्थन कर दे, वरना खामोश रहे। ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है, कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान। तिरंगे में लिपटे हुए शव आपने देखे, जब एक ऐसा ही शव आया लौटकर तो देखिए उसकी पत्नी का एहसास क्या होता है। मैं आप सबके नाम करता हूं। फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उसके होने से धन्य ये नगर हो गया। वाह वाह। गीत की बड़ी गायिका, छंद की बड़ी सम्राट, बड़ी छंद शास्त्री कीर्ति जी बैठी हैं, बहुत छंद उन्होंने लिखे। हरीश भाई और पूजा आप सब तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उसके होने से धन्य ये नगर हो गया, माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया। अगली पंक्ति पर देखना चाहता हूँ आप कितना समर्थन करेंगे, मन करे तो तालियों को रोकना मत। ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया, मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं,
मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो। एक छंद और सुनाता हूँ आपको, और नारी के नाम पर आपने जो नारी शक्ति का ये संकल्प लिया है, ये सच है कि कोई कितना ही पराक्रम दिखा ले, लेकिन हमारे यहाँ अर्ध नारीश्वर का रूप कहा जाता है, यदि महिला की शक्ति उसके साथ नहीं है तो वो ना सरहद पर उस वीरता के साथ लड़ सकता है और ना बंदूक उस ताकत के साथ उठा सकता है। इस देश की नारी क्या सोचती है, एक पंक्ति एक छंद मैं आपकी संस्था को पिंकिस को नारी शक्ति को एक छंद आप सबको सौंपना चाहता हूँ। सुनिएगा इस देश की स्त्री क्या कहती है। सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, ओ सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊं। ओम प्रकाश आदित्य मेरे गुरु थे, उनकी शैली में मैंने छंद सुनाने शुरू किए। विनीत भाई जब ये छंद मैंने सुनाया था तो आदित्य जी ने मेरा माथा चूम लिया था कि प्रवीण तुमने छंद में जो मात्रिक हमारे जो आवश्यकता है वो भी पूरी की है और जो लयात्मकता उसे भी निभाया है। देखिएगा बहुत आपके हृदय तक पहुंचाता कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊंगी, भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार, एक बार मिलकर तालियां बजा दें, तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी, पति को तो देश पर पहले ही मार दिया, ओ पति को तो देश पर पहले ही मार दिया, सांस सांस अपनी बीमार कर आऊंगी। अगली पंक्ति पूरे सदन का एक साथ समर्थन चाहता हूँ, यह है इस देश की नारी शक्ति। ओ पति को तो देश पर पहले ही मार दिया, सांस सांस अपनी बीमार कर आऊंगी, हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को। एक रचना विशेष आपको सुनाता हूँ, स्वागत भैया, क्योंकि पूजा ने मुझसे कहा कि भैया नारी शक्ति पर कार्यक्रम है और मैं चाहती हूँ कि आप नारी शक्ति के बारे में जरूर कुछ कहें। तो ये अरुण जी एक ऐसी कविता मेरे पास है जिसे मैं भी पहली बार सुनूंगा। मैं जब घर से चला था शाहदरा से तो ये कविता मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन ये पिंकिस का प्रभाव है, आपकी नारी शक्ति का प्रभाव है कि यहाँ आते आते अब एक कविता मेरे पास है, मैं सुनाता हूँ, अच्छी लगे तो। कागज देखकर मेरी पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन अच्छी लगे तो आप सबका समर्थन चाहूंगा भैया। नारियों ने देश का परचम सदा ऊंचा किया, वाह वाह वाह, नारियों ने देश का परचम सदा ऊंचा किया है। घर वाली नारी का यह कह रही है कि घर से फोन आ गया। नारियों ने देश का परचम सदा ऊंचा किया है, देश की इज्जत को भी हरदम सदा ऊंचा किया है, खेलों में इज्जत बढ़ाई, मेडलों को जीत करके सीमा पर लड़ने को पहुंची, भारती से प्रीत करके नारियां धरती गगन भूगोल सारा नापती हैं, देख इनके हौसलों को सब दिशाएं कांपती हैं, जब जहां जैसा जरूरी हो ये वैसा गीत गाती, अपनी पर आ जाए तो यमराज का मस्तक झुका दी, जो झुका दे ईश को भी इन पे वो जज्बात हैं, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात। वाह, तालियां पूरे सदन की उठनी चाहिए, मैं पहली बार सुना रहा हूँ। जो झुका दे, पूजा तेरे नाम करता हूँ, ये पहली कविता तेरे कहने पर लिखी है, तो ये मेरी छोटी बिटिया के पूजा के नाम है, मेरी बहना रानी के नाम है। जो झुका दे ईश को भी इन पे वो जज्बात हैं, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात हैं, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात हैं, बेटियों और बेटों में अंतर नहीं करना जरा भी। यहाँ ख्याति भी कहीं होगी, वो भी मेरी आवाज सुन रही हो तो उस तक भी मैं अपनी आवाज पहुंचाता हूँ कि बेटियों और बेटों में अंतर नहीं करना जरा भी, जिंदगी मधुमास को पतझर नहीं करना जरा भी, बेटियों के रूप में लक्ष्मी ने खुद कृपा करी है, जाने कितने धन कुबेरों की स्वयं झोली भरी है,
स्वर्ग बन जाता वो घर बेटी जहां पर खेलती है। वाह। स्वर्ग बन जाता वो घर बेटी जहां पर खेलती है, स्वर्ग बन जाता वो घर बेटी जहां पर खेलती है, उसकी हर मुस्कान से ही रोशनी सी फैलती है। स्वर्ग बन जाता वो घर बेटी जहां पर खेलती है, उसकी हर मुस्कान से ही रोशनी सी फैलती है, चाहे प्रकट जाएं स्वयं के पूरे घर को पर बनाती। तालियां अगली पंक्ति पर मुझे चाहिए। एक पर जो आसमान में उड़ने वाला पर है और दूसरा पर किंतु वाला पर है, और अगली पंक्ति पर आप आशीर्वाद दें कि चाहे पर कट जाएं, चाहे पर कट जाएं स्वयं के पूरे घर को पर बनाती, ईंट पत्थर के मकान को बेटियां ही घर बनाती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ईंट पत्थर के मकान को बेटियां ही घर बनाती, इनके कारण देश के बदले हुए जज्बात हैं, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। अंतिम शब्द सुनाता हूँ, क्या क्या है बेटियां, कि आसमां के चांद तारों को भी छू के लौट आए। वाह। कल्पना चावला को याद करिएगा, यह है हिंदुस्तान की बेटी, यह है हिंदुस्तान की नारी। और पिंकी से मैं बोलता हूँ तो आपके मन तक बात पहुंचे, कि आसमां के चांद तारों को भी छू के लौट आई, जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती है ये कमाई, तूफानों के सामने चट्टान बन करके तनी है, वक्त आने पर ये मेरी कौम का मुक्का बनी। तूफानों के सामने चट्टान सी बनकर तनी है, वक्त आने पर ये मेरी कौम का मुक्का बनी है। गीता फोगट बन इन्होंने देश को गौरव दिया है, साक्षी सिंधु बन के अपने नाम को रोशन किया है, बन के आशा और लता भारत का गौरव गान है, ये कल्पना और सानिया बन देश का सम्मान है। कल्पना और सानिया बन देश का सम्मान है, ये इनके कारण चांदनी है, इनसे शुभ प्रभात है। बेटियां भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। बेटियां एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर पिंकिस के लिए, नारी शक्ति सम्मान के लिए, हमारी समस्त बेटियों के लिए आपकी शुभकामनाएं हो, ये कारवां बढ़ता रहे। मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया पंडित जी। मैं भाई प्रवीण शुक्ल जी से ये अनुरोध करूंगी कि वो हमें अपने उस हास्य कविता के रस में जरूर सराबोर करें। ये मेरी गुजारिश है कि लड़कियां नारी शक्ति है ये हम सब जानते हैं, पर किस किस को कब कब वो कैसी कैसी लगती हैं, इसका बखान करेंगे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मैं दरअसल भूल गया, एक कविता के लिए पूजा ने मुझसे कहा था और वो फिर नई कविता के चक्कर में मैं भूल गया। मैंने बताया मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, अपने ढंग से सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या। मैंने कहा भैया लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पेंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या। बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। तालियां बजाने थोड़ी सी, मैं रस बदलता हूँ। मैं तो दोबारा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे, अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छाँव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले तू एक महीने तक आराम कर ले, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गईं तो मैं दो तीन छंद वो सुना देता हूँ जिसके लिए पूजा ने कहा है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। सुंदरता से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहाँ से तैयार होकर निकले और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का आदमी क्या कर सकता है। एक बार थोड़ी सी तालियों के साथ मुझे आदेश दे दीजिए, मैं दो तीन छंद सुनाता हूँ और बस फिर काव्य पाठ को विराम। सुना ले, तेरा पेमेंट कटेगा आज। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम, खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली, जब तक सारे नहीं बजाएंगे डोज पूरी नहीं होगी। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे,
ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम लार टपकाते हुए भी नीत जी कहने लगे भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम भूखा चार दिन से हूँ भोज। सुंदरी आगे बढ़ी संसद भवन के पास पहुंची तो देखिए अलग अलग राजनेताओं ने उसे देखा उन्हें वो कैसी लगी जी। बहुत मेरे मन का छंद है राजनीति में से मैंने हास्य निकाला सुनिएगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम तृणमूल वाले सारे बात करने लगे की ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे की ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति ऐसी तालियां बजा देना कि पूरे सदन को समूह को पता लग जाए कि आप पिंकिस के तत्वावधान में हास्यव्यंग कविताओं का आनंद ले रहे हैं। भरपूर समर्थन अगली पंक्ति पर चाहूंगा। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम क्योंकि अंतिम छंद सुनाता हूँ और काव्य पाठ का समापन करता हूँ। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम आप देख जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम जिसके समीप आके शीतलता मिलती है सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। दोस्तों अगली पंक्ति आपको लगे राजनीति पर इससे तीखा व्यंग नहीं हो सकता तो भरपूर तालियों के साथ मुझे विदा करना पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए और मैं विदाई चाहता हूं अपनी। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे की आयकर वाले सारे बात करने लगे की धन लगती हो तुम नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम मुझे एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस कवि गोष्ठी का विराम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद।